अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान फहद राजपूत और मैं इस टाइम मौजूद हूं हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद यूनिट नंबर 8 में। और मैं इस टाइम फ्रेश जूस बार पे खड़ा हुआ हूं जो बिल्कुल मुस्तफ़ा ग्राउंड के सामने है। मैं आपको कैमरा में देख भी सकते हैं। तो हम यहां पर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट टूटी फ्रूटी फ्रूट चाट खाने, तो चलते हैं खाने और फिर आपसे भी एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं। आ जाएँ। तो बाकी हमारी फ्रूट चाट तैयार हो रही है और ये भाई ने केले से स्टार्ट किया है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा जैन नाम है और 8 नंबर के हम जूस वाले हैं जो मुजाहिद होटल के कोने पे जो लगाते थे। सही, मतलब आपकी एक और ब्रांच भी है? जी बिल्कुल, हमारी वहाँ ब्रांच है जहाँ मुजाहिद होटल का चौक है। जी जी, और वहीं हमारी एक शॉप और है। सही। इनकी ये दूसरी ब्रांच है, इनकी दो ब्रांच है, एक मुजाहिद होटल के पास है और एक यहाँ पर। ये बिल्कुल ग्राउंड के सामने, आप ग्राउंड देख सकते हैं, सामने सिटिंग एरिया भी है और यहाँ पे और फैमिली के लिए सेपरेट सिस्टम अंदर इन्होंने किया है। सिटिंग एरिया फैमिली का, फैमिली सिटिंग एरिया आप देख सकते हैं अंदर, कितना खूबसूरत इन्होंने फैमिली सिटिंग एरिया बनाया है। और अब ये सेब दाने लगे हैं, मतलब एक फ्रूट चाट के अंदर, मतलब एक बनाना और एक सेब नहीं, इसके अंदर मुख्तलिफ आइटम डलते हैं जैसे कि जेली हो गई, आइसक्रीम हो गई और रबड़ी हो गई। अभी आपके सामने मैं तैयार करता हूँ। तो मतलब ये सारे फ्रूट आपके फ्रेश होते जी हैं? जी जी, ये देखे ना, ये आप कैमरे से थोड़ा दिखा सके। तो आपको ये कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? ये मुझे 10 साल हो गए इसका, ये 10 साल हो गए। तो नाजरीन आपने सुना, इनको 10 साल हो गए ये काम करते हुए। और ये काम मैंने MBA फाइनल करने के बाद स्टार्ट किया था। मतलब आपने MBA किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है, इन्होंने MBA किया हुआ है और अभी ये फ्रूट चाट। ये आज मेरी तकरीबन 2 शॉप्स हैं और ये मेरी पर्सनल शॉप्स हैं, परचेज हुई भी। और काम मैंने स्टार्ट किया था पर्सनल शॉप है आपकी ये, माशाल्लाह आपने परचेज की हुई है? बिल्कुल है, सही। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें आप, एक शॉप वहाँ पे भी। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था MBA क्लियर करने के बाद, तो एक ठेले से स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों ने देखा हो जी, कि मुजाहिद होटल के कोने पे जो एक ठेला लगता था वो मैं ही लगा। जी, तो आपने मतलब MBA करने के बाद कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? मतलब वो बिजनेस का एक थोड़ा से थे जरा सी मेरे अंदर। सही, तो वो जो है ना इस वजह से। इन्होंने MBA किया था लेकिन MBA के बाद इन्होंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, तो इन्होंने एक ठेले से स्टार्ट किया था ये जूस का और ये फ्रूट चाट वगैरह का काम। तो आज इन माशाल्लाह इन्होंने अपनी 2 शॉप्स कर ली हैं और ये पर्सनली इनकी परचेज की हुई शॉप है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शॉप है और बिल्कुल फ्रंट पे है, रोड के फ्रंट पे। तो आज माशाल्लाह ने इनको कामयाबी दी है, तो आज इतना बड़ा बिजनेस इन्होंने अपना खुद खड़ा किया है अपनी मेहनत से। और क्रीम की थैली लेकर आओ, ये स्ट्रॉबेरी चल रही है। जी जी जी, अच्छा हमारे इसको आप फ्रीजर में रखते हैं? बिल्कुल, ये कंपनी के हम मंगवाते हैं और बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी होती है, कंपनी से आती है। बिल्कुल है, सही है। अभी जैसे कि स्ट्रॉबेरी का सीजन ऑफ है लेकिन हमारे पास, अगर आप देखें ये थोड़ा सा इधर लुक दिखाइएगा। गुड हो गया, ये हम क्रीम इसमें इस्तेमाल करते हैं जी। आइसक्रीम लेकर आओ एक इसको। ये क्रीम माशाल्लाह कितनी बेहतरीन लग रही है बनते हुए, आप देख सकते हैं। अब इसमें ये पाइनएप्पल डालने लगे, मतलब टोटल कितने आइटम्स इसमें डलते हैं? तकरीबन 8 से 9 आइटम डलते हैं, तब जाके ये हमारी फ्रूट चाट एक तैयार है। सही, टोटल इसका मतलब एक पर बॉक्स के कितने आपके ये प्राइस है यहाँ पर? यहाँ पे हमने बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखे हुए हैं, 200 का ये बॉक्स है जी। जिसके अंदर एक इसको आइसक्रीम है, बाकी ये पाइन एपल आप जानते हैं कि कितना कॉस्टली चल रहे हैं अभी, क्योंकि एक्सपोर्ट का काम है, लेकिन हम डालते हुए जो है बिल्कुल कंजूसी नहीं करते, नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि कितनी महंगाई और इतना कुछ डाल रहे हैं और सिर्फ 200 रुपये में पर बॉक्स है और आपको 200 में इतनी चीज़ें खाने को मिलेंगी। अच्छा, ये हमारा फूड पांडा पे भी है,
अच्छा बिल्कुल बीएफ डिवाइस लेकर आओ यार। अभी हमने इसके अंदर 30% डिस्काउंट लगाई हुई है बीएफ फ्रेश जो सेंटर से। तो आपको ये फ्रूट चाट का बॉक्स 170 का पड़ेगा, 200 और अभी क्योंकि हमने इसमें वो लगाई हुई है समर पे के था, हाँ समर सेल पे लगाई हुई है 30% डिस्काउंट, तो ये 170 का आपको आराम से घर बैठे मिल जाएगा। मतलब इनकी होम डिलीवरी भी है, आप घर बैठे बैठे भी मंगवा सकते हैं, ये इतनी जबरदस्त अमेजिंग डिलीशियस फ्रूट चाट आप मंगा सकते हैं। इनके अलावा आप जूस वगैरह भी मंगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जूस वगैरह मंगा सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास जूस वगैरह मिल्क शेक के अलावा ग्लास में ले आना। और ये फ्रूट चाट के अलावा क्या क्या है हमारे पास? फालूदा है और हाँ और जूसेस के अंदर हमारे पास पूरे लतीफाबाद में जो फ्लेवर ना मिल रहा वो हमारे पास मिलेगा, जो फ्रूट्स ना मिल रहा वो हमारे पास मिलेगा। हमारे पास अभी मैंगो भी है, हालांकि मैंगो का सीजन ऑफ हुए हुए तकरीबन 4 महीने हो गए, लेकिन अभी भी हमारे पास मैंगो फ्रेश मैंगो पड़े हुए। ताकि आपके पास अंजीर वगैरह ये सब चीजें मिल जाती है। अंजीर तो हमारे पास माशाल्लाह समझे पठानों से दोस्ती है, मेरा दोस्त दोस्त तो वो जो है भर भर के ला के हमें पेटियां देते। ये अभी जेली डल रही है, ये दिखाइएगा जेली। ये कौन सी जेली मतलब यूज हुई है? ये हमारी जो ये कहेंगे वो थाईलैंड कहाँ का वो एक वो होता है जेली का टिन। हाँ जेली टिन बिल्कुल, तो वो जेली हम इस्तेमाल करते हैं। आप जब ये खाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कोई फ्रूट चाट कोई माल में कंजूसी नहीं, बादाम और वो के ये अभी पैक होते हुए भी जो है ये थोड़ा सा और आप देख सकते हैं अभी ये ड्राई फ्रूट भी डल रहे हैं इसमें बादाम। वाव 200 में आपको क्या क्या मिल रहा है आप ये देख सकते हैं, बादाम और ये चौप हुए बादाम है ना? जी जी जी। तो ये फ्रूट चाट तैयार हो गई है हमारी, आप ये देख सकते हैं फ्रूट चाट हमारी अब तैयार हो गई है। और ये यहाँ की बेस्ट फ्रूट चाट रेडी हो गई और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसको खाने के लिए। ये दिखने में अच्छी है, खाने में भी अच्छी है, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, तो हम इसको खा के भी ट्राई करेंगे और आपसे शेयर जरूर करेंगे। तो आइए चले चलते हैं। तो मैं तो मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं अब इसको ट्राई करने लगा हूँ, घिर ना जाए मुझसे। ये कोल्ड ले लूं, जैसा सुना था 200 रुपए में आप दे सकते हैं इतनी सारी चीजें और इतनी मजेदार फ्रूट चाट है। ऐसी चाट मैंने नहीं खाई यहाँ पे हैदराबाद के अंदर। और लेकिन जो ये जो थोड़ी ठंडी है फ्रूट्स वगैरह, ये मुंह में जो फ्रूट्स वगैरह जितने भी हैं इसके सारे फ्रेश हैं, आपको मतलब खा के ही ना एक अमेजिंग सी फील आएगी, फ्रेश सी फील आएगी क्या मतलब। अबे साले फ्रेश से हो गया मतलब फ्रेश फ्रेश लगेगा आपको ये, बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़बरदस्त बनाई है और अमेजिंग बनाई है। ये दिखने में नहीं है, खाने में भी उतनी ज़बरदस्त लग रही है। अब ये मैं बादाम के साथ खाने लगा हूँ, मैं देखूँ, मैंने पहले कभी बादाम के साथ नहीं खाई है इस तरह फ्रूट चाट। मतलब हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट आ रहा है, मतलब सेब का भी स्ट्रॉबेरी का भी बादाम मिक्स होकर टेस्ट आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, मुँह में ऐसा घुल जाता है। और ये मेरा फेवरेट बाइट, इसमें जो पाइनएप्पल है ये मेरा फेवरेट है इस फ्रूट चाट में। सबसे मजेदार इसकी बात ये है इन्होंने जो आइसक्रीम डाली है इसके अंदर, आइसक्रीम के साथ जो ये फ्लेवर मिक्स होकर जो जायका दे रहा है ना वो आउटस्टैंडिंग। इसको टूटी फ्रूटी वैसे फ्रूट चाट भी कहते हैं, लेकिन इसको टूटी फ्रूटी फ्रूट चाट कहते हैं। वैसे टूटी फ्रूटी यहाँ पे इनका नाम इन्होंने टूटी फ्रूटी रखा हुआ है यहाँ पे। और मुझे यकीन है कि आपने ऐसी फ्रूट चाट कभी कहीं और नहीं खाई होगी जो हैदराबाद में, और वो आपको सिर्फ यहीं मिलेगी इतने रिजनेबल प्राइस में इतनी सारी चीज़ों के साथ।
नाज़रीन इस टाइम हैदराबाद में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंडी ठंडी टूटी फूटी खा के मज़ा ही आ गया। मैं नहीं मानता। अगर आप भी इस टूटी फूटी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको आकर और एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको टूटी फूटी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में नए जायके के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।